लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सैटरडे की स्पेशल क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या? पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं वो भी लिख देते हैं। पॉलीगन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुभुज, मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। बहुत सारी का मतलब तीन या तीन से ज्यादा। अब दो भुजाएं तो होंगी नहीं, जाहिर सी बात है। बहुभुज का मतलब ये होता है कि एक क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का मतलब मैंने आपको बताया था जो चारों तरफ से बंद हो, मतलब अगर ओपन है इस तरह का तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट ओपन है, ठीक है। तो क्लोज फिगर जो हमारी बंद आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज या पॉलीगन। एक क्लोज फिगर हू साइड्स आर मोर देन थ्री और इक्विवेलेंट थ्री आर नोन एज पॉलीगन। ओके, तो देखिए एक पॉलीगन बना के देखते हैं। ट्राइंगल भी हमारा पॉलीगन है जिसमें तीन साइड है, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल भी हमारा पॉलीगन है जिसमें चार साइड है। उसी तरह अब ये तीन चार का तो देख लिया हमने, अब चलिए साइड के हिसाब से देख लेते हैं उसको बोलते क्या है, किसी भी साइड के पॉलीगन का नाम क्या होता है। ये मैं साइड लिख रहा हूं और ये पॉलीगन लिख रहा हूं, क्या होगा? ओके, ठीक। तो देखिए आपकी साइड है क्या, एक तो होगी नहीं, तीन होगी। ओके, तीन साइड है, हमने कहा था मिनिमम तीन होनी चाहिए। तो पॉलीगन क्या होगा? ट्रायंगल। ओके, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं पहले क्लास में। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या, चार साइड। चार साइड होगी तो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब अगर फाइव साइड्स हैं तो क्या होगा? पेंटागन। पेंटा मतलब फाइव, जैसे आपकी केमिस्ट्री में होता है ना, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ऐसे करके होता है ना। आईयूपीएससी में हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, तो उसमें मैथ एथ प्रो वो सब हटा के जब आता है क्या फिफ्थ नंबर से, जैसे पांच कार्बन होते हैं पेंट, फिर छह पे हेक्सा, फिर हेप्टा, ऐसे होता है। यहाँ हेप्टा नहीं होता लेकिन याद रखिएगा, तो वही पेंटा यहाँ पे होता है। पेंटा का मतलब होता है फाइव। अब सिक्स, अगर सिक्स साइड्स होंगी तो क्या होगा? सिक्स साइड्स होंगी हमारी तो उसको हम बोलेंगे हेक्सागन। देखिए हेक्सा आपका साइंस में भी यूज होता है, मैथ में भी यूज होता है और कंप्यूटर में भी यूज होता है, हेक्सा डेसिमल नंबर में। हेक्सागन, यहाँ पे हेक्सागन होगा। ओके, तो मैथ का हेक्सा ये रहा आपका, ठीक है, हेक्सा मतलब सिक्स। उसके बाद सेवन, तो सिक्स साइड को आप बोलेंगे क्या? हेक्सागन। और सेवन साइड होगी तो क्या होता है कार्बन में आपका? हेप्टा। तो यहां पे क्या आएगा? हेप्टागन, हेप्टागन। और फिर उसके बाद आता है आपका एट साइड्स का। एट साइड्स में आपका क्या बनेगा? ऑक्टा, जैसे आपका होता है ना कंप्यूटर में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जैसे आपका फोन भी आजकल आते हैं क्या ऑक्टा कोर। तो ये क्या है? गन मतलब साइड और ऑक्टा मतलब आठ, आठ साइड्स। मतलब देखिए हिंदी में क्या होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और सात को क्या बोलते हैं? सप्तभुज। हाँ, आठ को बोलते हैं आप अष्टभुज। और ये फिर नौ आता है, नौ जिसमें साइड्स होंगे, नौ साइड्स होंगी तो नौनागन। और फिर उसके बाद हम यहां पे दस साइड लिख देते हैं, दस साइड होगी तो डेकागन। जैसे दस कार्बन होंगे तो डेका उसमें भी लगता है और इसमें भी डेकागन। तो देखिए त्रिभुज तो सबने देखा है, क्वाड्रिलेटरल भी हम पढ़ चुके हैं, पंचभुज जो आपका होता है उसमें पांच साइड होगी तो कैसे होंगी? ऐसे होंगी, ये पांच साइड हो गई, एक दो तीन चार पांच, ठीक। हेक्सागन आपका बनेगा तो कैसे बनेगा? ये 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 और एक और ये ये, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। देखिए जितने साइड्स उतने वर्टेक्स, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, जितनी साइड्स उतने वर्टेक्स। हेक्सागन हो गया, हेप्टागन में यही साइड आठ हो जाएंगी, ऑक्टागन में आठ हो जाएंगी और
नौना करने नौ हो जाएंगी। ये तो हो गया आपका कि बोलते क्या है किसको। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ऐसे इनके बारे में पता करेंगे। देखिए हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल में हम लोग का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का कुछ सम आया था, आपको याद होगा। तो ट्रायंगल जो था वो कुछ इस तरह से होता है, दिख रहा हो तो ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता था? इंटीरियर एंगल आपका होता है क्या, जो ये बना होता है आपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं, ये आपका ट्रायंगल है। चलिए ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है आपके और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो पहले देखते हैं 1 2 3 इनका सम क्या था। इंटीरियर एंगल का सम था आपका 180 डिग्री। आपको पता होगा कि इंटीरियर एंगल का सम आपका होता है 180 और एक्सटीरियर एंगल मतलब ये एंगल और फिर जो अगर आप इसको आगे बढ़ा दें तो ये एंगल और इसको आगे बढ़ा दें तो ये एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, सॉरी ये वाला आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ये वाला आगे बढ़ेगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ए बी सी इनका सम क्या होता था, 360 ठीक। एक्सटीरियर एंगल का हमेशा सम 360 रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह क्वाड्रिलेटरल जो इसमें आपकी फोर साइड्स होती थी, ठीक है, फोर साइड होती हैं, तो उसमें इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, उसमें इंटीरियर एंगल का आई एंगल लिख दे रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल को आई एंगल का सम होता है क्या आपका 360। और फिर से एक्सटीरियर एंगल जैसे कि ये और ये ऐसे करके जो एक्सटीरियर साइड एंगल बनते हैं सिक्वेंशियल मैनर में, ये इन एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, उनका भी होता है क्या 360 डिग्री, ठीक। अब देखते हैं इसी तरह जैसे आपका पेंटागन बनेगा, तो देखिए 180 यहां पे क्या हो, 180 ऐड हुआ, ये आपने देखा 180 ऐड हुआ, तो आप क्या करेंगे। उसी तरह अगर आपको यह पता करना है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, सॉरी पॉलीगन में, तो कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल का सम होगा आपका, एक फॉर्मूला है आपका सिर्फ, क्या है वो, एन इनटू, एक मिनट, एन नहीं होगा, n-2, ठीक है। n-2 क्या है, यहां पे n क्या है, n आपकी साइड है, अगर तीन साइड है मान लीजिए तो यहां पे क्या रखेंगे, 3-2 हो जाएगा 1 इंटू 180, ठीक है, इंटू 180, ये आपका क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम, मतलब ये जो अंदर वाले एंगल है इनका सम क्या होगा, n-2 इंटू 180, यहां पे आप n आपकी क्या है, जहां n आपकी है साइड्स ऑफ पॉलीगन, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सॉरी n साइड्स ऑफ पॉलीगन है, देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पॉलीगन में पांच साइड्स हैं, ठीक है, पांच साइड है तो उसके एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण जितने भी बनेंगे उनका सम क्या होगा, उनका योग क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें पांच साइड है, वैल्यू रखेंगे 5-2 इंटू 180, तो यहां क्या आएगा 5-2 3 इंटू 180, तो वैल्यू क्या आएगी 540। तो पेंटागन जो भी होगा उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 540 डिग्री होगा, ओके। तो ये हमने क्या देख लिया,
कि इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख दे, कितनी भी साइड हो, 20, 25, 100, 200, 300, आप इंटीरियर एंगल का सम निकाल सकते हैं। एक और चीज है जो आपका क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल है, उनका सम हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितने भी उसमें साइड्स हो जाए। एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण, सारे बहिष्कोण मिला के सिर्फ 360 डिग्री ही हो सकते हैं। अब देखते हैं, एक वर्ड आता है हमारे पास रेगुलर। रेगुलर क्या होता है? देखिए, जिस भी पॉलीगन के आगे रेगुलर लग जाता है, अगर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली सारे एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे कि ट्रायंगल में अगर हमारा है, हमारे सारे एंगल इक्वल हो जाते तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल बोलते हैं। क्यों भाई इक्विलैटरल बोलते हैं? सारे एंगल इक्वल होते तो ट्रायंगल में, तो सारे एंगल इक्वल होते तो उसको हम इक्विलैटरल बोलते हैं, या फिर समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो सारे एंगल तो वो क्या होता है? वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है। अगर पांच साइड है तो पांचों साइड इक्वल। कैसे? छह साइड है तो छह साइड इक्वल। पांच साइड का मुझसे बनता नहीं, लेकिन फिर भी बना रहा हूं। ये देखिए, इक्वल नहीं बन रही है, आप मान लीजिएगा कि इक्वल है। ठीक है, तो ये जो आपका पेंटागन है, इसकी ये और ये साइड, ये सारी साइड इक्वल होंगी। तो अगर सारी साइड इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन है, और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड इक्वल होंगी, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा स्टेटमेंट है। ओके, तो ये साइड आपकी सारी इक्वल है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी सारे इक्वल होंगे। अब आपको एंगल तो पता नहीं है कि क्या होंगे, तो एंगल जब आपको पता नहीं है तो मैंने क्या बताया था? एंगल का सम निकालना। एंगल का सम एन माइनस टू इंटू 180 से निकल आता है आपका। तो एन क्या है यहाँ पे? 5 है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 से आपका एंगल का सम क्या आएगा? 540। अब क्योंकि एंगल का सम 540 है तो यहाँ पे पांच एंगल है, पांच से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 1 = 5, 0 × 5 = 40, 108 डिग्री आएगी। मतलब रेगुलर पेंटागन के एक एंगल की वैल्यू 108 डिग्री आती है, 108 डिग्री आती है। ओके, इसी तरह अगर यहाँ पे 6 साइड हो जाएंगे तो साइड रखेंगे और एंगल निकाल लेंगे, 7 साइड हो गए तो साइड रखेंगे और एंगल निकाल लेंगे। अब जो देखिए, ये जो है, जैसे हमारा जो एक्सटीरियर एंगल जो चलिए निकल गया, इंटीरियर एंगल निकल गया। अब ये एंगल जो है, ये वाला जो है एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, दो तरीके है। ये एंगल आपको पता चल गया 108 डिग्री, ये एंगल आपको 108 डिग्री, क्योंकि रेगुलर है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, ये भी है 108 डिग्री। ठीक है, जब सारे एंगल आपको पता चल गए तो आप इसको 180 से माइनस कर दे। पहली चीज, 180 से माइनस करने पर आपको इजीली ये एंगल मिल जाएगा। 180 से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 108 आपका वैल्यू क्या आएगी? 72 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 72 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल प्लस ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म है, दोनों एंगल का सम क्या? 180 डिग्री होगा। पहली तो यही कंडीशन है कि आप अगर इंटीरियर एंगल जाते हैं तो डायरेक्टली निकाल लीजिए। अगर आपको इंटीरियर एंगल नहीं पता तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। देखिए, आपको एक्सटीरियर एंगल का सम पता है, एक्सटीरियर एंगल का सम आपको मालूम है। अभी मैंने बताया, कितनी भी साइड्स हो जाए, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा। बदलता है तो सिर्फ क्या? इंटीरियर अंतःकोणों का योग बदलता है, पर बहिष्कोणों का योग कभी नहीं बदलता, वो हमेशा 360 ही रहता है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम आ गया आपका क्या? ई से हम एक्सटीरियर प्रेजेंट कर रहे हैं, और सम एक्सटीरियर, ई फॉर एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल का सम 360, तो एक एंगल क्या होगा? तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका? टोटल कितने बनेंगे पहले ये बताइए? 5 बनेंगे, एक ये। अब जाहिर सी बात है, ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल सारे इक्वल ही होंगे। 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे तो हम कितना कर देंगे? 360 तो सम है ना भाई, 360 सम है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 5 × 7 = 5 × 2 = 72 डिग्री आ जाएगी। इस तरह से एक्सटीरियर एंगल भी निकाल लेंगे। ठीक है,
तो पेंटागन का तो हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरह अगर आपको कोई और डाउट है कि हेक्सागन का कैसे निकलेगा, हेप्टागन का कैसे निकलेगा, ऑक्टागन का कैसे निकलेगा, तो वो भी आप देख लेंगे कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये आपका एक है क्या, अब बना के बताते क्या है, हमें भी नहीं पता ये क्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑक्टागन है शायद 336। हाँ ये आपका ऑक्टागन है, ठीक, जिसमें कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स उतने ही होंगे जितने साइड्स होंगे। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, सीड्स को, सीड्स बोले तो, सीड्स बोले तो कॉर्नर्स। ये आपके ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये आपके क्या वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो अगर ये साइड हम बढ़ा देते हैं, तो ये साइड बढ़ा देते तो ये एंगल क्या है आपके, ये आपके बहिष्कोण है या एक्सटीरियर एंगल है। ओके, आपको इसमें बताना है एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, पहली चीज एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, ठीक। दूसरा आपको बताना है क्या इंटीरियर एंगल क्या आएगा। लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, तो आप समझ जाइए, राइटिंग से कंफ्यूज मत होइएगा, राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह मेरी, ठीक है। इंटीरियर एंगल क्या है वो निकालना होगा, ठीक है, और साथ ही निकालना होगा आपको क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। चलिए इंटीरियर एंगल निकालेंगे, तो सम तो निकाल ही देंगे। ये एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि ये साइड 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 इक्वल है, आठ साइड है क्या, पहली चीज ये जान लीजिए। ये है आपका क्या ऑक्टागन, सॉरी ऊपर लिख देते हैं ऑक्टागन, या फिर बोले अष्टभुज। ओके, अष्टभुज, अष्टभुज है ये, क्यों आठ है भुजाएं, जैसे रावण को दशानन कहते थे, क्यों, क्योंकि उसकी दस भुजाएं थी, आठ भुजाएं होती तो अष्टभुज होते, अष्टानन बोलते, सॉरी दस मुख थे उसके, ठीक है, तो दशानन बोलते थे, ठीक है। तो यहां पे आठ भुजाएं, तो हम इसको अष्टभुज बोलेंगे, ठीक। अब पहले इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, दो पॉइंट मिल जाएंगे हमें निकालने के लिए। तो आपको इंटीरियर एंगल भी दो तरीके से निकाल सकते हैं, पिछली बार मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन का कैसे निकालते हैं इंटीरियर एंगल, अब हम बताते हैं दूसरी तरीके से। देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम आपका क्या होता है, 360 डिग्री, ये आपको पता है, ठीक है। टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, आठ एक्सटीरियर एंगल आठ इंटीरियर एंगल, टोटल आठ बनेंगे, तो हम आठ से डिवाइड कर देते हैं, एक एंगल तो आ ही जाएगा, तो कैसे आठ से डिवाइड किया, क्या आया, 8 4 32 8 5 45 डिग्री, 45 डिग्री हमारा आया क्या एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, और ये एंगल भी आपको 45 डिग्री। ऐसे जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे सारे 45 डिग्री होंगे। तो अब सिंपल से दो मेथड है आपके पास, या तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब जो है एक बड़ी लाइन बोल सकते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन अगर क्रॉस कर दे या फिर कट कर दे, टच कर दे किसको, स्ट्रेट लाइन को, तो उस पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन के एक साइड के ऊपर सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो स्ट्रेट लाइन के इस साइड पे जितने एंगल बनेंगे एक पॉइंट पे, वो सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री माइनस कर दे 180 से, कितना आएगा 135 डिग्री, 180 माइनस 45, सिंपल 135 आ गया। अब इंटीरियर एंगल एक तो आ गया, चलिए 135 डिग्री, ठीक है, एक आ गया आपका। अब जो हम क्या करते हैं, 135 एक आ गया, तो हमें कितने चाहिए, हमें आठ चाहिए, आठों का सम चाहिए, तो आठों का सम 135 × 8, आठ है, आठ इक्वल ही होंगे, तो 135 × 8 कितना हो जाता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हमसे नहीं होती, देखो ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आंसर होगा आपका। चलिए करके दिखा देते, 5 × 40 = 4 आंसर, और 13 × 117 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 121, आई थिंक यही होना चाहिए आंसर होगा, 8 5 = 44 8 3 = 24, अरे यार ये तो गलत हो रहा, हाँ 28 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी
104 प्लस 4 होगा यहाँ पे 108 होगा, सॉरी 1080 सारे एंगल का सम क्या होगा 1080, मतलब ये पूरे एंगल जो होंगे, ये एंगल, 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 ये सारे एंगल का सम क्या होगा 1080। ओके, और ये इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू क्या होगी 135 डिग्री। आप इस तरह से रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो तरीका मैंने बताया था वो कौन सा तरीका था, इससे पहले वाला क्या था, एन माइनस टू इंटू 180। ओके, एन माइनस टू इंटू 180 कितना होता है, 8 माइनस टू कितना होगा 6 होगा, ठीक है। 8 माइनस टू इंटू 6 आएगा, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, 8 साइड है, तो 8 माइनस टू आपका होगा 6 इंटू 180 कितनी आ जाएगी वैल्यू 18 6 108, और लास्ट वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा 1080। दोनों तरीके आपको फॉर्मूले लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी तो प्रोसेस होता नहीं है, आप पिक कर ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हमने थोड़ी चीजें जानी, ठीक है, कल थोड़े और फॉर्मूले देखेंगे, जैसे कि हमारे डायगोनल से रिलेटेड फॉर्मूले और भी थोड़ी चीजें देख लेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहिए हर बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।